सभी भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। ये केसीआर गवर्नमेंट नहीं है गरीबों की, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है। रेवंत रेड्डी साहब परेशान करना चाहते हैं सारे लोगों को, कई का हटरा कई का मूसी डेवलप कर रहे हैं। पहले गरीबों को देखिए, बाद में मूसी को डेवलप कीजिए। मूसी डेवलप करने के लिए टाइम है आपके पास, वो गरीबों को बेघर करें तो गरीब कहाँ जाएंगे, ये आपका सपना है। हैदराबाद में आप इलेक्शन नहीं जीते इसलिए हैदराबाद के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, बेघर करना चाह रहे हैं। हमारे अर्दिल अजीज लीडर हरीश राव साहब यहाँ पर है, सबिता मैडम साहब यहाँ पर है, मल्लाडी साहब यहाँ पर है, हमारे तमाम अदर मिनिस्टर से आपके साथ है। हम मर जाएंगे पर आपके साथ रहेंगे, गरीबों का हाल दिलाएंगे। गरीबों का कोई मछिया लीडर है वो केसीआर साहब है। उन्होंने तेलंगाना हासिल किया, तेलंगाना को इंडिया की नंबर वन सिटी बनाने की कोशिश की और आज इंडिया में नंबर वन सिटी है तो हैदराबाद स्टेट और तेलंगाना है। मगर कभी किसी गरीब को नहीं हटाए। मूसी के लिए उन्होंने तकरीबन 15,000 मकान रिजर्व रखे हैं, मगर रेवंत रेड्डी साहब किसी की सुनने वाले नहीं है। 1,00,000 मकान बनाए गए, किधर गए? गरीबों को दिए गए, गरीबों को भी खींचा जा रहा है। ये रेवंत रेड्डी हम आपके दोस्त नहीं है, हम आपके दुश्मन है। दूसरे लोगों के साथ मिलकर लंदन में जाकर एक इंस्पेक्शन कर यहाँ के गरीबों को सताया जा रहा है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, गरीबों की हुकूमत होती है, बेघर मत कीजिए, गरीबों को बेघर मत कीजिए। घर में लोग रहने वालों को अगर बेघर कर देंगे कहाँ जाएंगे? बता रहे लोग इंस्टॉलमेंट पर मकान खरीदे, कब तक अदा करते रहेंगे? पर आप मकान तोड़ देंगे, उन्हें बेघर कर देंगे, वो बेघर हो जाएंगे। इसलिए हमारा बीआरएस पार्टी का मुतालिबा है, किसी भी एक घर को मत तोड़िए, ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आप गरीबों को सताएंगे आप कहीं कर नहीं रहेंगे। आप इंडिया में तेलंगाना में रहना है तो तेलंगाना के लोगों के हक के लिए आवाज उठाइए, ताकि उनको बेघर कीजिए। आज मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ, आपके लिए एक ही महान लीडर है वो केसीआर साहब है। एक ही पार्टी है बीआरएस पार्टी है, आपके हक के लिए लड़ने वाली ये कांग्रेस पार्टी धोखा देकर इख्तदार में आई है, अब आपको सता रही है। इसके लिए आप मजबूत हो जाइए। आपके साथ केसीआर साहब है, हरीश राव साहब है, सबिता मेरी बहन साहब है, सभी लोग यहाँ पर आपके साथ है और आपके हाथ मजबूत करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे, पर आपको तकलीफ होने नहीं देंगे, ये हमारा वायदा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों मुत्तहिद हो जाइए, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। आपके साथ बीआरएस पार्टी है, आखिरी दम तक आपके साथ रहेगी। आपके तकलीफों में आपके दुख में हमेशा आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे और आपके हक के लिए। సార్ అని మా భర్త టీచర్ మేము గౌడ్స్ అండి, అందరూ కలిసి మిమ్మల్ని మీరేదో మాకు మంచి చేస్తారని ఓట్లేశారండి. మీరు ఇదేనా అండి చేసేది? ఉన్నది ఒకటే ఇల్లు అండి, ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే ఇల్లు ఉంటుందండి. మీలాగా 20-30 ఇల్లు ఉన్నాయండి. మీరు ఇక్కడ కూడబడితే వేరే కాడికి వెళ్ళిపోతారని ఏంటండి? ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చిందండి అంటే, మాకు అన్యాయం చేసి మీరు వేరే స్టేట్స్ వేరే దేశం వాళ్ళకి లీజుకిచ్చి మమ్మల్ని అన్యాయం చేస్తారా సార్? భూకంపం వస్తే ఒక్క ప్రాంతం కూలిపోతారు సార్, అది మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం అనిపిస్తాను సార్. మేము ఉండాలా పోవాలా సార్? ఒకవేళ గన్మెన్ దూరం పండి బిడ్డ, పార్టీ లీడర్లు దూరం పండి, మనకు నీడకుండండి. కాలనీ వాళ్ళు ఉండనియండి, కాలనీ వాళ్ళు ఉండనియండి. స్వామి గౌడ్ సార్ ముందుకు రమ్మనమ్మ, స్వామి గౌడ్ మూసి రివర్ డెవలప్ చేస్తామని గవర్నమెంట్ ఒక ప్రపోజల్ తో మనం ముందుకు వచ్చింది. దానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ ను సర్క్యులేట్ అవుతానే
गौरवनीयुलु मंत्रुलु हरिशंडा गारिकि मिगता बीआरएस एम्मेल्येलकु बीआरएस నాయకులకి టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకి అలాగే ప్రత్యేకంగా సమిత గారికి కూడా బాబు కెమెరామెన్ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు బిడ్డ వచ్చే వాళ్ళు మాట్లాడి ప్లీజ్ కొద్దిగా దూరం ఉండండి కెమెరామెన్.